पंजाब में प्रतिबंधित कुछ छंदों को लेकर हिमाचल आए युवाओं को लेकर जो विवाद हुआ था, पंजाब के श्रद्धालुओं से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वाहनों में झंडे व पोस्टर विवादित थे जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हिमाचल की गाड़ियों को पंजाब में रोका गया, इसकी भी जानकारी मांगी गई है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले को पंजाब सरकार के समक्ष उठाया गया है, राज्य सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है, इस मामले पर कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इसके पीछे देश विरोधी तत्वों का हाथ है और वह माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर पंजाब के मुख्य सचिव से बातचीत हुई है, आगे से ऐसा न हो उसको लेकर आश्वस्त किया है। इस तरह की वो जानकारी हमको प्राप्त हुई और उस पर हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ बातचीत की है। चीफ सेक्रेटरी को तुरंत बोला था, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ बातचीत हुई है और आगे से इस प्रकार की घटना नहीं होगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट जिस प्रकार से वो सारी चीजों को वहां पर वो कर रहे थे और उस पर मैं ज्यादा अभी उचित नहीं बोलना समझ रहा हूँ। सारी डिटेल्स उसकी मांगी है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस वजह से हुई थी और ऐसी करने की वजह क्या बनी इतनी ज्यादा। तो ऐसे में क्योंकि वहाँ पंजाब के जो टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में आए थे, कुछ झंडे लगा करके अपनी गाड़ी में घूम रहे थे और जिसमें ये पाया गया है कि वो झंडे जो लगाए, निशान साहब के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन जिस प्रकार से उसमें कुछ और चीजों का उसमें जिक्र हुआ है वो चिंता का विषय है और उन चीजों की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंदिरा वाले का चित्र होना और उसके साथ में कुछ और चीजों का भी जिक्र होना उसमें, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले को पंजाब सरकार के साथ किस तर्ज पर उठाने की जरूरत थी, हमने उठाया है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।